Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो देखा आपने कल के एपिसोड में कि कैसे नॉमिनेशन का टास्क हुआ बड़े ही जबरदस्त तरीके से, और ये भी पता चला कि भैया यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। तो लेकिन एक राखी सावंत जरूर सगी बनी अभिनव शुक्ला की। अभिनव शुक्ला को उन्होंने बचा लिया इस हफ्ते। तो खैर, चार लोग जो नॉमिनेट हुए, उससे पहले मुझे यही कहना है कि यार रूबीना दिलाय को क्यों नॉमिनेट करते हो, क्या फायदा अभी एक नॉमिनेशन वेस्ट करते हो। तो चलिए मैं वोटिंग ट्रेंड की बात करता हूं कि ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड क्या है। तो उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, तो दोस्तों आपको याद है कि कल मैंने पब्लिक पोल डाला था। पब्लिक क्योंकि ये जनता सब जानती है, जनता को ही नॉमिनेशन से बचाना होता है, जनता को ही एविक्शन से बचाना होता है, एविक्शन में डालना होता है, घर भेजना होता है, बिग बॉस के घर में रखना होता है, सब कुछ जनता के ही हाथ में होती है, जनता जनार्दन के। तो जनता जनार्दन ने, जैसे कि मैंने आपको पब्लिक पोल में डाला था, रूबीना दिलायक को अभी भी नंबर वन पे रखा है। रूबीना दिलायक नंबर वन पे बनी हुई है, अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है। तो नंबर दो पे है राहुल वैद्य। ये तो होना ही था कि अभी निक्की तंबोली तो राहुल वैद्य से आगे नहीं निकल सकती, ना ही सोनाली जी निकल सकती हैं। तो दो नंबर पे है राहुल वैद्य। और नंबर तीन पे है, दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है कि नंबर तीन पे इस समय सोनाली फोगट ही बनी पड़ी है। ये क्या हुआ, निक्की तंबोली जो शुरू में टॉप फाइव की कंटेस्टेंट थी, अब उसकी गेम को क्या हो गया है। बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि निक्की तंबोली अपना अलग खेल, उस ग्रुप में मस्त पास, ऐसे भी लोगों का कहना है, ज्ञान देना है। तो लेकिन निक्की तंबोली यहां पे लोग वोट कम कर रहे हैं निक्की तंबोली को, यानी कि सोनाली फोगट की क्या गेम लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। तो खैर, शाम को मैं आपको परसेंटेज के साथ भी बताऊंगा कि किसको मिल रहे हैं कितने परसेंट वोट। तो निक्की तंबोली जो है नंबर चार पे है दोस्तों। अभी तक तो निक्की तंबोली का भविष्य जो है असुरक्षित यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन अभी समय बहुत पड़ा है। निक्की तंबोली के फैनों तो भर भर के डाल दो वोट। तो और अगर वोट डालनी नहीं आती है तो हंगरी स्पिरिट चैनल पे जाइएगा, वहां पे हाउ टू वोट ऑन वोट हंगरी स्पिरिट चैनल, तो ये देखिएगा, वहां पे बहुत डिटेल से बहुत प्यार से मैंने समझाया है आपको कि आपको कैसे वोट डालनी है, कितने वोट डालने हैं। और तो चलिए, कैसा लगा वीडियो, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.